अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। और गुड न्यूज़ ये कि आज स्ट्रॉन्ग सैमन ने अपना जो है ना ब्लॉग टाइम पे स्टार्ट कर दिया बगैर किसी लापरवाही के। हाँ जी, क्योंकि अभी काम स्टार्ट किया है तो आज मैंने कहा बेटा कोई लापरवाही नहीं चलेगी, रूटीन पे जैसे वर्क करती थी तो अब रूटीन पे ही वर्क। अभी मैं थोड़ी देर पहले उठी हूँ नींद से, ये मेरा फेस देखिए, मैंने फेस वॉश नहीं किया अभी तक, ये देखिए काजल वाजल सारा फैला हुआ है। गुलिया रात को थोड़ा सुधारा था लेकिन ये देखिए ये हालत हुई हुई मेरी। तो कोई बात नहीं है, तो चलता रहता है, नॉट प्रॉब्लम। तो अभी मेरे किचन में बन रहा है, बन रही है दाल, दाल मैंने रख दी और बनेगी सब्जी, वही सब्जी। बाबा मुझसे हर आए दिन वही वाली सब्जी बनवाते, फिर बाबा ने बोला वही सब्जी बनाओ। बाबा को कोई अच्छी चीज़ खिला दो ना, बाबा पीछे पड़ जाते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, बाबा है और अच्छी बात है ना, उनको मेरे खाने अच्छे लगते हैं तो मेरे हाथों की सब्ज़ी अच्छी लगती है। बाबा भी शुरू से, बाबा को कोई चीज़ अच्छी लग जाती है ना एक दफ़ा, तो बाबा वो हर आए दिन वही चीज़ ले आएंगे, बना के खिलाओ, बना के खिलाओ, बना के खिलाओ। फिर मम्मा से एक दिन सही वाली डांट पड़ेगी, फिर छोड़ देंगे। लेकिन खैर कोई बात नहीं, सब्ज़ी के साथ दाल होनी चाहिए क्योंकि मैं राइस खाती हूँ, मुझे राइस ज़्यादा अच्छे लगते हैं और बाबा तो रोटी खाते हैं, बाबा को रोटी ही पसंद है। और वो देखिए दाल अभी चूल्हे में बन रही है, यहाँ से दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए कुछ इस तरह का लुक है, काम वाम कुछ भी नहीं किया, किचन अभी थोड़ा सा फैला हुआ है। तो दिखाती हूँ सब्ज़ी, और ये देखिए सब्जी, अब मैं इसको करूँगी कट ना। और ये देखिए मत अहमद, हाय करो, सलाम करो, हाय, डांस करो, आए। कलम की जो जगह थी वो वही है, पर इसका नाम तक बाकी नहीं है। कलम की नोक पे नुकता है कोई, जो सच है वो भला झुकता है कोई, वो जिस बचपन में थोड़ा और जीना था, वो जिसने माँ तुम्हारा ख्वाब छीना था, मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। वो एक ऐसी कहानी लिख गया वो, किताबों में निशानी रख गया वो, उसकी वापसी की राह तकती, कि दरवाज़ा खुला बाबा क्यों रखते, मुझे बचपन में थोड़ा और जीना था, वो जिसने मार तुम्हारा ख्वाब छीना था, मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। तो व्यूअर्स, ये हमारी दाल बनके हो गई है तैयार, और अभी चूल्हा वगैरह मुझे साफ़ करना है तो इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा सा ख़राब हो रहा है पूरा, और लेकिन खाना बनाना था, लाइट चली जाती, दाल हमारी बनके हो गई है तैयार। और ये देखिए हमारी मज़ेदार वाली मिक्स सब्ज़ी भी तैयार हो रही है, और ये अभी ये इसका पूरा मसाला रेडी हो गया, अब इसको जो है ना हम लोग पका रहे हैं, उसके बाद आगे आप लोग को दिखाते हैं फाइनल लुक भी। बड़ी ज़बरदस्त वाली बनती है और दाल के साथ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं तो चावलों के साथ खाती हूँ, आप लोगों को तो पता है ना चावल लवर, आप लोगों को तो पता है मैं चावल लवर हूँ, तो चावल ज़्यादा पसंद है। तो मिलती हूँ आप लोगों से अहमद को निपटने के बाद। तो विवश मेला बेटा हो गया तैयार, नहा लिया इसने फ्रेश होके, अब सोने की तैयारी हो रही है, अब सोएगा, और मेरा सारा काम हो गया है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सलाम करो, कलमा सुनाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह सुनाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह सुनाओ, अल्लाह सुनाओ, अल्लाह सुनाओ, डांस करो, डिकन डिकन डिक डिका डिकिंग डिके डिकिंग डिकिंग डिकिंग। असद को बुलाओ, भाई को बुलाओ, भैया को बुलाओ, भैया को बुलाओ, भैया को बुलाओ, नानू को बुलाओ, नाना, नानी को बुलाओ, नाना, नाना भी, नानी, नानी भी, नाना, सब यही।
तो व्यूअर्स, सारा काम मेरा हो गया है बगैर मुंह धोए, सारा काम मैंने कर लिया, खाना मेरा बन गया, सफाई मैंने कर ली, बर्तन वगैरह सब वॉश हो गया, बच्चों के कपड़े थे वो भी मैंने वॉश कर लिए, मेरा प्रॉपरली टोटली सारा काम हो गया है। तो अब मैं फ्रेश होती, पहले इसको सुलाती हूँ, फ्रेश होती हूँ, फिर पढ़ती हूँ नमाज, नमाज पढ़ने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। पूरा व्लॉग देखिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। तो मिलते हैं नमाज पढ़ने के बाद ही। वेलकम बैक व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और ये मेरा व्लॉग जो है ना कल से चल रहा है। कल ब्लैक डे में मैंने कुछ परफॉर्मेंस की थी, थोड़ी बहुत मैंने जो है ना उन बच्चों के लिए, उन बच्चों को कुछ मैंने डेडिकेट किया था। तो लेकिन कल अफसोस की बात है कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। एक वक्त होता था जब मैं स्कूल जाती थी ना व्यूअर्स, तो उस दौर में मैं जो है ना ये नेशनल सॉन्ग्स वगैरह इस तरह कोई भी चीज़ होती थी ना, तो मैं परफॉर्मेंस ज़रूर करती थी, पार्टिसिपेट करती थी ज़रूर। बट अब तो गाती हूँ बट गला ख़राब, लेकिन वो बात अब नहीं रही। लेकिन मैंने कहा चलो उन बच्चों के लिए हो जाए कि जिन बच्चों के साथ इतना बुरा हुआ है, तो हम वो उन बच्चों ने कुर्बानी दी है ना हमारे इस मुल्क के लिए, उन बच्चों के साथ इतना बुरा किया गया, दुख होता है। उस दौरान जब बच्चों के साथ हुआ था ना ब्लैक डे, जो हादसा हुआ था आर्मी पब्लिक स्कूल में, तो उस दौरान मैं भी खुद भी स्कूल जाया करती थी। आई थिंक जब मैं 8th क्लास में थी, ये जब की बात है, तो 8th से लेके जब भी 8th क्लास में थी स्टार्टिंग के दिन, आई थिंक ये 7th का लास्ट चल रहा था। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर हमारा 8th स्टार्ट हुआ था। लेकिन 8th क्लास में जब भी कोई कुछ भी हुआ ना, तो मतलब इस तरह की चीज़ों में पार्टिसिपेट में लाजमी करती थी, नेशनल सॉन्ग में तो लाजमी करती थी। तो इस तरह की चीज़ें मुझे जो है ना गाना शुरू से बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कल थोड़ी सी परफॉर्मेंस की थी उन बच्चों के लिए थोड़ा सा मैंने गा के डेडिकेट किया था कि उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने इतनी कुर्बानी दी है। और ये मेरा व्लॉग कल से चल रहा है, तो इस टाइम पे मुझे लग रही है भूख, अहमद अभी सो गया है, मुझे लग रही है भूख। और मैं पहले खाती हूँ खाना, पेट पूजा करती हूँ, थोड़ी सी एनर्जी आएगी, फिर आप लोगों से जो है ना बात करती हूँ। और आज इस वीडियो को तो मुझे हर हाल में एंड करना है। और असद की तबीयत जो है ना बेहतर है, और कल जो है ना बात ये पता चली थी कि असद को जो है ना, जब असद पानी वगैरह पीता है ना, तो असद की जो है ना एक नाक से जो है ना पानी बही रहता है। अब पता नहीं अल्लाह बेहतर जानते कि ऐसे क्यों हो रहा है, उसके नाक में से पानी क्यों आता है। वो पानी पीता है तो जैसे वो पानी पी रहा है ना, तो उसकी जो है ना एक नाक है ना उसमें से पानी बाहर आ रहा है। तो आज फिर पता करना है कि क्या है, नहीं उसकी तबीयत कैसी है। तो मैं बहुत परेशान हूँ बेटे की वजह से, तो अल्लाह पाक खैर करे बस। तो व्यूअर्स अभी रात के 8:30 का टाइम हो रहा है, और अभी जो है ना सारा काम मेरा हो गया फिनिश तो शाम को ही हो गया था। अभी मैं थोड़े से बर्तन तो वो भी वॉश करके आई हूँ। आप लोगों को तो पता है मेरा पूरा दिन काम में गुजरता है। और इस टाइम पे अहमद जो है ना खेल रहा है, मुझे ना फेस पे बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही है। और असद का जो बताना था मैंने आप लोगों को बता दिया कि उसकी कंडीशन अभी पहले से बेहतर है, बट उसके साथ ये हो रहा है, इसके नाक से जो है ना पानी आ रहा है। तो मैं बोलूँगी वीडियो बना के भेजे कि किस तरह पानी आ रहा है, किस तरीके से मतलब हो रहा है जो भी, तो फिर मुझे भी तसल्ली हो जाए। पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है। तालू का बोल रहे हैं मसला कि तालू घिरा हुआ है, तालू भी उठा के देख ले, तो आप दुआ करना कि ठीक हो जाए जी। और इसको देखे क्या हुआ जी, हस्बी रब्बी सुनाओ, अली मौला सुनाओ, सलाम करो। तो अहमद से भी आप लोगों को मैंने मिलवा दिया। तो व्यूअर्स आज की वीडियो, और मेरा ये व्लॉग कल से चल रहा है, तो मैंने जो है ना आप लोगों को जो ब्लैक डे का था बच्चों के लिए, जो मैंने बच्चों को डेडिकेट किया था, वो भी मैंने आप लोगों को मतलब परफॉर्म किया था थोड़ा सा बच्चों के लिए मैंने। तो अभी वीडियो को मैं एंड करने लगी हूँ क्योंकि कल से मेरा ये व्लॉग चल रहा है। और आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो लोग इतना प्यार दे रहे हैं, थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, तो बहुत खुशी होती है कि आप लोग इतना प्यार देते हैं। एक गफार और एक आसिम चांडियो एंड समीना असगर ब्लॉग और खान गुजरात ब्लॉग एंड जन्नत फिरदौस ब्लॉग, सनिया असगर ब्लॉग, नवीद खान, तो थैंक यू सो मच, जजाकल्ला, बिग रिस्पेक्ट कि आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और बहुत सारी दुआएं देते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो मैंने कहा आज आप लोगों का क्यों ना आप लोगों का नाम लिया जाए कि आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, मेरा हर ब्लॉग आप लोग वॉच करते हैं और अच्छे अच्छे कॉमेंट भी करते हैं। तो व्यूअर्स आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़। और आप लोग बताइएगा कि मेरी आवाज़ कैसी है, जो मैंने बच्चों को डेडिकेट किया है ना, तो वो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी आवाज़ आप लोगों को कैसी लगी और मेरी परफॉर्मेंस आप लोगों को कैसी लगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।